हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास से बेबी के रह पर। और विद्युत धारिता के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं उसमें से पहला है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन ऐसे कारक हैं जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं? तो पहला हम देखते हैं कि चालक का आकार, चालक का आकार, ठीक है। चालक का आकार बढ़ाने पर उस चालक की धारिता बढ़ती है, ठीक है। और उसका आकार अगर कम होता है, छोटा होता है, तो उसकी धारिता भी घटती है, ठीक है। दूसरा, चालक की आकृति, चालक की आकृति, चालक की आकृति बदल देने से चालक के सतह का विभव बदल जाता है, ठीक है। और धारिता C बराबर होता है क्यू बाई बी, मतलब कि आवेश बटा विभव, है ना। तो विभव अगर घटता है तो धारिता बढ़ेगी, विभव अगर बढ़ता है तो धारिता घटेगी। तो चालक की आकृति चेंज होती है अगर, तो चालक का विभव परिवर्तित हो जाता है और उसके कारण चालक की धारिता भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो है, चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति नहीं होना चाहिए, चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति, चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति, ठीक है। चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति पर चालक के सतह का विभव निर्भर करता है और इसलिए चालक की धारिता भी उसके आसपास का जो माध्यम है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर अगर चालक के आसपास अधिक परावैद्युतता वाले माध्यम है, अगर अधिक अपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतता को हम लोग अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, है ना। अधिक विद्युतशीलता वाले अगर माध्यम है चालक के आसपास, ठीक है, तो चालक का विभव क्या होगा, घट जाता है, ठीक है। और चालक का विभव घटने से चालक की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। और चौथा नंबर, चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति, चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। तो चालक के समीप अगर अन्य और दूसरे चालक उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो चालक का विभव जो होता है वो कम होता है, और चालक का विभव जब कम होता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर चालक के समीप और कोई दूसरा चालक है तो क्या होता है कि उस चालक का विभव घटता है, और विभव घटने के कारण क्या होता है, चालक की जो धारिता है, विद्युत धारिता, वो बढ़ती है, ठीक है। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिलगित गोलीय चालक की धारिता। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल,
ठीक है, कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या वो केंद्र है, और यहाँ पर इसके सतह पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इस धन आवेश का केंद्र कहाँ है, तो ओ बिंदु पर है, ठीक है, यहाँ पर ओ बिंदु पर है। तो हम इन सारे आवेशों को ओ बिंदु पर क्या मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, मतलब कि एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये सारा आवेश ओ बिंदु पर हो तो उसका भी वही प्रभाव होगा जो इस गोले पर वितरित आवेश के कारण हो सकता है ना। तो हम इस आवेश को ओ बिंदु पर अर्थात केंद्र पर केंद्रित अगर मान लें तो सतह पर विभव कितना हो जाएगा, तो इसके सतह पर विभव भी इक्वल टू 1/4πε0Q/r, ये हो गया विभव। और चालक की धारिता कितनी होती है, C=Q/V, तो Q/V के जगह पर 1/4πε0Q/r, तो 1/4π नहीं, ये तो नहीं कटेगा, Q कट जाएगा है ना, Q कट गया, बच गया 4π0 ऊपर जाएगा तो 4π0r हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस गोलीय चालक के आसपास ऐसा माध्यम है जिसकी अपेक्षित विद्युतशीलता εr है, ठीक है, जिसकी परावैद्युतता εr है, तो कितना विभवता हो जाएगी, देखिए ये चालक के चारों ओर हवा या निर्वात होने पर ये गोलीय चालक की धारिता है, और अगर चालक के बाहर या चालक के आसपास ऐसा माध्यम हो जिसकी अपेक्षित विद्युतशीलता εr हो तो उस चालक की धारिता C=4π0εr×R, ये ठीक है, अर्थात गोलीय चालक की धारिता जो है उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है, अर्थात चालक की त्रिज्या जितनी ही अधिक होगी उतनी ही उस चालक की विद्युत धारिता भी अधिक होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी भी गोल है, हम मान सकते हैं पृथ्वी को एक गोलीय चालक, ठीक है, और पृथ्वी का ही हम धारिता निकालते हैं कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, ठीक है, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर, गोलीय चालक मानकर इसकी विद्युत धारिता, विद्युत धारिता ज्ञात करें, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4×10⁶ मीटर हो गए, अगर मीटर में इसको व्यक्त करें तो। और गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C=4πε0×r, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है, और हवा की अपेक्षित विद्युतशीलता 1 माना जा सकता है, ठीक है। तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9×10⁹, तो 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9×10⁹, और r पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4×10⁶, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6.4×9×10⁶, 6 जीरो कट जाएगा तो 3 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 6.4×9×10⁻¹ हो गया, 6.4 में 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या करेंगे कि इसका दशमलव खत्म करेंगे, 64/9×10⁻¹ कितना हो जाएगा, -4 कर देंगे यहाँ पर, और 9 से इसमें भाग दे रहे हैं, 9×7=63, 1/0 9×9 = 10⁻¹⁴, ठीक है, इतना फैराड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 711×10⁻⁶ फैराड, और 10⁻⁶ को माइक्रो कहते हैं, 711 माइक्रो फैराड,
ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, तब उसकी धारिता कितनी है, तो 711 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड में है। तो समझ सकते हैं कि फेराड कितना बड़ा मात्रक है विद्युत धारिता का, ठीक है। देख लीजिए कि पृथ्वी इतनी बड़ी है तो माइक्रोफेराड में इसकी धारिता है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है फेराड कितना बड़ा यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग देखें आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग पानी डालते हैं बर्तन, जैसे बाल्टी का पानी गिराना है तो पूरा का पूरा पानी है तो एक बार में गिर नहीं पाएगा, धीरे धीरे करके गिरता है। ठीक उसी तरह से जब किसी चालक को आवेश देना होता है तो एक बार में सारा आवेश नहीं दे दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आवेश उस पर जाता है, ठीक है। तो हम इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर किसी चालक पर Q1 आवेश देते हैं तो उसका विभव कितना हो जा रहा है, V1। चालक की धारिता अगर C हो तो C इक्वल टू क्या होता है, Q1 बाई V1, और V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 बाई C, है ना। अब हम एक्स्ट्रा DQ आवेश इसको देना चाहते हैं, ठीक है। तो उस आवेश को देने में कार्य कितना किया जाता है, क्योंकि विभव का परिभाषा हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू W बाई Q, तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q गुना V हो जाएगा, आवेश गुना विभव। तो अगर हम DQ आवेश इसको देना चाहते हैं तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, DW इक्वल टू विभव है कितना, V1, और DQ आवेश देना चाहते हैं तो आवेश गुना विभव हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं DW इक्वल टू V1 का वैल्यू है Q1 बाई C और यहाँ पर है DQ, ठीक है। अगर प्रारंभ में चालक पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, प्रारंभ में आवेश कितना है, 0, और चालक को Q आवेश देना है, ठीक है, कितना आवेश, Q आवेश, मतलब 0 से आवेश बढ़ा करके कितना करना है, Q। तो इस संपूर्ण प्रोसेस में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य W इक्वल टू, अब DW को क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के Q तक, तो DW का मान रखते हैं Q1 बाई C इंटू DQ, यही ना, 0 से Q तक इसको समाकलन करना है, तो Q1 बाई C DQ का क्या होता है, Q, और 0 से लेकर के कहां तक, नहीं Q1 तो नियतांक नहीं है, इसको बाहर नहीं निकालेंगे, केवल 1 बाई सी को हम बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ 1 बाई सी, और यहाँ पर आवेश तो दिया जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना, तो ये चर राशि है, तो Q1 DQ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई सी और x के पावर n का समाकलन कितना होता है, x के पावर n का, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लागू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, Q1 के पावर 1 था पहले, तो क्या हो जाएगा, 2, बटा में क्या करेंगे, 2, 0 से Q तक करना है ना, तो 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 1 बाई 2C बच गया Q1 स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक करना है, तो 1 बाई 2C और Q1 की जगह पर एक बार Q लगते हैं, तो Q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर Q स्क्वायर, एक बार 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, मतलब कि किया गया कार्य चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य कितना है, Q स्क्वायर बाई 2C, और यही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। इसलिए चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। लेकिन Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, तो हम Q के जगह पर C भी रखते हैं, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q के जगह पर C भी रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा,
सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, एक और सी कट गया तो क्या बच जाएगा, ई इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू वन बाई टू सी वी इंटू वी, ठीक है। तो C इंटू वी को क्यों लिखते हैं, आवेश बराबर विद्युत धारिता गुना विभव, तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई टू क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा समीकरण, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी चालक की स्थिर वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी वन बाई टू सी वी स्क्वायर वन बाई टू क्यू इंटू वी, ये तीनों चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा के तीन सूत्र प्राप्त हुए। अब हम लोग देखेंगे दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हम दो आवेशित दो चालक लेते हैं, एक की धारिता है C1 और दूसरी की विद्युत धारिता है C2। पहले आवेश को Q1 आवेश देने पर, पहले चालक को Q1 आवेश देने पर इसका विभव हो जा रहा है V1, और दूसरे चालक को Q2 आवेश देने पर इसका विभव हो जा रहा है V, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 V1, और Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा C2 V2। अब क्या किया गया कि इन दोनों चालकों को, पहला का धारिता है C1 और दूसरा का धारिता है C2, ठीक है, इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। अगर बड़ा है V2 से, मतलब कि पहला चालक उच्च विभव पर है और दूसरा चालक निम्न विभव पर है, तो आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा पहले चालक से दूसरे चालक की ओर, और कब तक प्रवाहित होगा आवेश, जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर न हो जाए, ठीक है। और जब दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं कि दोनों चालकों का विभव हो गया V, तो अब आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। इस स्थिति में अगर पहले चालक पर Q1 डैश आवेश आ गया और दूसरे पर Q2 डैश आवेश आ गया, तो Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा C1 V, और Q2 डैश बराबर कितना हो गया C2 V, यही ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो उभयनिष्ठ विभव है भी, ये कितना होगा, इसके लिए हम लोग पहले सूत्र प्राप्त कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल के लिए। उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो विभव बराबर कितना होता है, कुल आवेश बटा कुल आवेश बटा कुल विद्युत धारिता, कुल विद्युत धारिता, ठीक है, कुल आवेश बटा कुल विद्युत धारिता। तो कुल आवेश कितना है, K1 प्लस K2, है ना, तो लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2, ठीक है। तो Q1 बराबर कितना है C1 V1, है ना, और Q2 बराबर कितना है C2 V2, रख दे रहे हैं Q1 के जगह पर C1 V1 और Q2 के जगह पर C2 V2, और बटा में कितना C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र, ठीक है। अब आप दोनों को चालक तार से जोड़ने के बाद, दोनों को चालक तार से जोड़ने के बाद इनके आवेश का अनुपात कितना है, ठीक है, चालक तार से जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात, ठीक है। तो देख लीजिए Q1 जोड़ने के बाद कितना आवेश हो गया, पहले चालक पर Q1 डैश और दूसरे चालक पर Q2 डैश, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर कितना हो गया
C1 भी बाय C2 भी बराबर C1 बाय C2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पहले चालक से दूसरे चालक में कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, मतलब स्थानांतरित आवेश की मात्रा मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज आवेश की ये जो है स्थानांतरित आवेश है उसकी मात्रा कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि पहले चालक से दूसरे चालक में डेल्टा क्यू आवेश स्थानांतरित हुआ, तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, पहले से आवेश था Q1 और अब आवेश है कितना Q1 तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो Q1 कितना है C1V1 रख देते हैं C1V1 और Q- कितना है Q1- तो C1V, ये कॉमा है ना, V1 नहीं है, C1V, तो C1V को घटा दिए। अब देख सकते हैं C1V1 माइनस C1V भी उभयनिष्ठ विभव यह है ना, तो उसको हम रख रहे हैं C1V1 + C2V2 / C1 + C2। तो लसा कितना हो जाएगा बताइए, तो लसा हो जाएगा कितना C1 + C2 यहाँ पर है C1V1 C1 + C2 इसके साथ गुना हो जाएगा C1 + C2 - यहाँ पर क्या हो गया, गुना कर देते हैं तो C1 square V1 + C1 C2 V2 यही ना रहा है C1 C2 V2। तो अब हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं कि आ रहा है इसको गुना करने पर C1 square V1 और इसका फिर इससे गुना करेंगे तो C1 C2 V1, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, इसको गुना किए तो C1 square V1 और फिर इसको इससे किए तो C1 C2 V1 अब माइनस C1 square V1 - यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया तो C1 C2 V2, ठीक है, तो ये आ गया बाय C1 + C2। तो जो कटने लायक है उसको कटा दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिए, अब बच गया तो C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ V1 बच गया, यहाँ पर V2 बच गया, ठीक है, बाय C1 + C2 यही ना। तो ये हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ, ठीक है, ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्या ह्रास हुआ वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ा गया था उससे पहले की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालेंगे और फिर उसको घटा देंगे, मतलब अंतर निकाल लेंगे, तो मालूम हो जाएगा कि कितना ऊर्जा की कमी हुई, ठीक है। तो चालक, हाँ देखिए ऊर्जा ह्रास कितना हो गया, ऊर्जा ह्रास, ठीक है, तो जोड़ने के पहले चालक पर आवेश था K1, उसका विभव था V1 और धारिता था C1। तो जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा कितनी हो गई,
ey is equal to 1 by 2 c1 v1 square plus 1 by 2 c2 v2 square, यही ना। तो 1 by 2 दोनों में है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको c1 v1 square plus c2 v2 square by 2 लिख दिए, ठीक है। ये प्रारंभिक अर्थात इनिशियल स्थिति ऊर्जा है, और अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल कितना ऊर्जा है, uf माने अंतिम ऊर्जा, uf इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 / 2 कुल धारिता c1 + c2 और उभयनिष्ठ विभव था v, तो v का स्क्वायर कर दिए, तो यहां पर देख सकते हैं 1 / 2 c1 + c2, अब v का मान कितना आया c1 v1 plus c2 v2 by c1 plus c2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन अंश का अलग स्क्वायर कर दे रहे हैं, हर का अलग स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 by 2, ठीक है, ये c1 plus c2 कट गया, एक पावर इसका खत्म हो गया, तो कितना बच गया, तो बच गया c1 v1 plus c2 v2 का स्क्वायर by 2 c1 plus c2, ठीक है, ये बच गया अंतिम स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा ह्रास कितना होगा, तो प्रारंभिक जो ऊर्जा थी उसमें से अंतिम ऊर्जा को घटा देंगे तो ऊर्जा ह्रास निकल जाएगा, तो ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास कितना हो गया, डेल्टा u इक्वल टू ui माइनस uf, ठीक है, और डेल्टा u इक्वल टू ui कितना था c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इसको लिखेंगे c1 v1 प्लस c2 v2 बाय c1 प्लस c2, 2 भी है ना, 2 यहां पर वर्ग, ठीक है। तो लॉसा कितना है, लॉसा हो जाएगा 2 c1 प्लस c2, और इसमें 2 से अगर हम भाग देते हैं तो c1 प्लस c2 आता है, तो इसमें गुणा करेंगे c1 प्लस c2 into c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस में अब इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। तब इसको गुणा करते हैं, डेल्टा u इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसको गुणा करें, तो c1 से पहले गुणा कर लेते हैं इसमें, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर अब c1 से इसमें गुणा करते हैं, तो प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर c2 से इसमें गुणा करते हैं, प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, फिर c2 से इसमें गुणा करते हैं, तो आ जा रहा है c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका गुणा करना है तो माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, है ना, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़े तो इसका स्क्वायर पहले करेंगे c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर तो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर c1 v1, b के जगह पर c2 v2, तो हो जाएगा 2 c1 c2 v1 v2, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस जितना भी ये प्लस है सब क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब बटा में क्या है 2 c1 plus c2, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इससे कट गया, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर कट गया, अब जो भी बच गया, जितना भी बच गया उसमें से क्या निकाल लेना है, c1 c2 कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो c1 c2 कॉमन निकाल लिए, तो यहां पर क्या बचेगा, c1 c2 निकाल लेंगे तो v1 स्क्वायर, यहां पर v2 स्क्वायर बच जाएगा, यहां पर माइनस 2
V1 V2 ये बच गया, ठीक है। बाई कितना 2C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है, बाई कितना 2C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये स्थानांतरित ऊर्जा हो गई, ऊर्जा ह्रास हो गया डेल्टा यू, ये ऊर्जा ह्रास हो गया, ठीक है। तो दो चालकों को जोड़ने पर हम लोग देख लिए कि जोड़ने के बाद आवेश का अनुपात क्या था, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, और ये समीकरण हम चार मान ले रहे हैं, है ना, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, ठीक है, ऊर्जा का ह्रास क्या होगा, ठीक है, आवेश कितना स्थानांतरित हुआ, ये सारा चीज हमने देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, धन्यवाद।